हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, अपन पिछली क्लास में एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, आज भी अपन उसी में बात करेंगे। और आज अपन बात करेंगे टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंट जो शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ थ्योरियाँ हैं जो इसके बारे में दी हुई है, उनके बारे में भी अपन यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला जो टर्म आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है डेंड्रोलॉजी या जाइलोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, इट मींस डेंड्रोलॉजी इज मींस द साइंस एंड स्टडी ऑफ द वुडेड प्लांट। वुडेड प्लांट की स्टडी करना, और वुडेड प्लांट इट मींस द ट्रीज की, वृक्षों का अध्ययन, वृक्षों का अध्ययन, वृक्षों का जो अध्ययन है उसे ही अपन डेंड्रोलॉजी या जाइलोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में पूछा गया है कि भाई डेंड्रोलॉजी और जाइलोलॉजी क्या होता है। फादर ऑफ अमेरिकन डेंड्रोलॉजी, अमेरिकन डेंड्रोलॉजी के पितामह किसे कहा गया है, तो मार्शल को कहा गया है, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन बढ़ते हैं इसमें आगे, नेक्स्ट वन आता है डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। देखो डेंड्रो, डेंड्रो का बेसिकली अर्थ यहां पे निकलता है ट्री, वृक्ष, किसे निकलता है, वृक्ष। क्लाइमेटोलॉजी इट मींस उसके जलवायु के संबंध में अध्ययन करना, वृक्ष की जलवायु के संबंध में अध्ययन, डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। इट मींस द साइंस ऑफ द डिटरमाइनिंग द पास्ट क्लाइमेट फ्रॉम द ट्री, ट्री का पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी रही है वो डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। देन द डेंड्रोफाइल, डेंड्रोफाइल मींस द पर्सन हु लव्स द ट्री, अर्थात वृक्षों को प्यार करने वाला व्यक्ति, वृक्षों को प्यार करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे अपन डेंड्रोफाइल कहते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज द डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज आल्सो नोन एज द ग्रोथ रिंग, और यू कैन से ट्री रिंग और एन्युअल रिंग। आपको पता हो तो वृक्षों के अंदर, उसके तने के अंदर, जैसे वृक्ष की बात करें तो उसका जो स्टेम होता है, तना होता है, उस तने के ऊपर अगर अपन उसकी बीच में से उस तने को अगर काटा जाए तो उसमें आपको रिंग दिखाई देगी, रिंग दिखाई देगी। और वो जो रिंग का जो फॉर्मेशन होता है उसका जो स्टडी है उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा गया है। इट मीन्स ग्रोथ रिंग, ट्री रिंग या एन्युअल रिंग निर्माण होता है। द ट्री रिंग डेटिंग, जो ट्री की रिंग है उसको डिटरमाइन करने को जो स्टडी है उसे ही जो है अपन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। इट इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ डेटिंग ट्री रिंग्स टू एग्जैक्ट द ईयर दे वर फॉर्म्ड, यानी कितने साल का पौधा हो गया है, अर्थात प्लांट की, वृक्ष की आयु, वृक्ष की आयु को ज्ञात करने के लिए, एज ऑफ द ट्री, एज ऑफ ट्री, पौधे की आयु को, वृक्ष की आयु को ज्ञात करने के लिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी का यूज किया जाता है। डिटरमाइनिंग द प्रिसाइज एज ऑफ द सैंपल, सैंपल की आयु क्या होगी उस पौधे की, उसको देखने के लिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी का यूज होता है। देन द नेक्स्ट वन इज द डेंड्रोमीटर, डेंड्रोमीटर आ रहा है, मीटर यानी जो मापन करता हो, मेजर करता हो, किसको, प्लांट के, ट्री के, ट्री के मेजरमेंट के लिए यूज होता हो। इट मींस द एनी ऑफ द सेवरल डिवाइसेस फॉर मेजरिंग द ट्रीज, ट्रीज को मापने वाले जो डिवाइसेज या जो यंत्र काम में लिए जाते हैं उन्हें अपन डेंड्रोमीटर के नाम से जानते हैं। जैसे ये आप देख सकते हो, इसको मेजर करने के लिए इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जा रहा है, उसे डेंड्रोमीटर कहेंगे। स्पेशली फॉर मेजरिंग द डायमीटर, डायमीटर उसका डायमीटर मापने के लिए, व्यास मापने के लिए, और हाइट ऑफ द ट्री, पौधे की, वृक्ष की ऊंचाई को मेजर करने के लिए डेंड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देन द डेंड्रोग्राम, डेंड्रोग्राम, डेंड्रोग्राम कुछ इस प्रकार का होता है, ये आपको डेंड्रोग्राम दिखाई दे रहा है, और डेंड्रोग्राम एक प्रकार से डायग्राम होता है, एक प्रकार का डायग्राम होता है। देट शोज द हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, यानी विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच में, विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बीच में क्या संबंध है, वृक्षों के मध्य जो संबंध है उसको देखने के लिए इस प्रकार का डेंड्रोग्राम बनाया जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज द डेंड्रोमेट्री, डेंड्रोमेट्री, डेंड्रोमेट्री मींस द
ब्रांच ऑफ द बोटनी, बोटनी की एक ब्रांच है, दैट इज द कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ द वेरियस डायमेंशन ऑफ द ट्रीज, पौधे के वृक्ष के विभिन्न प्रकार के जो डायमेंशन है उनको मापने के लिए, जैसे उसका डायमीटर के लिए, उसके शेप आकार के लिए, साइज के लिए, एज के लिए, इन सभी का जो मापन जो किया जाता है उस ब्रांच को डेंड्रोमेट्री के नाम से जानते हैं, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन आता है टेंडिंग। टेंडिंग क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है टेंडिंग का मीनिंग क्या होता है, तो टेंडिंग का सेंस यहां बता रखा है, द इनिशियल थिनिंग ऑपरेशन इन अ ब्रॉड लीव्स इज ऑफन कॉल्ड टेंडिंग, यानी इनिशियल जो थिनिंग जो की जाती है ब्रॉड लीफ प्लांट के अंदर, उसे ही अपन टेंडिंग कहते हैं। जैसे आपके सामने ये पौधा है और इस पौधे के अंदर आपने देखा कि आपको बूसी टाइप अपीयरेंस इसको दिखाई दे रही होगी, झाड़ी नुमा यह दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब इसमें से कुछ शाखाएं हटा दी गई तब ये आपको वेल प्रून और अच्छा दिखाई दे रहा है, और ये जो प्लांट है ये आपका टेंड प्लांट कहलाएगा, टेंडिंग इसके अंदर की गई है। लेकिन ज्यादा भी कर लेने से पौधा कुछ इस प्रकार का होगा और जो सही नहीं होता है, तो टेंडिंग ऑपरेशन उसकी को कहते हैं, उसमें जो आप थिनिंग करते हो कुछ ब्रांचेज या जो लीव्स है उसको आप रिमूव करते हो, वही आपका टेंडिंग ऑपरेशन कहलाता है। टेंडिंग प्रिपेयर्स फॉरेस्ट फॉर द फ्यूचर मैनेजमेंट, भविष्य के प्रबंध क्रियाओं के लिए जो है टेंडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस मानी गई है। इन्वॉल्व द सिलेक्शन के लिए मार्किंग ऑफ 350 to 500 सुपीरियर ट्रीज इन एवरी हेक्टेयर दैट विल बी रिटेन्ड एंड चूजन एज द पोटेंशियल क्रॉप ट्री, यानी पूरे आपके फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर कुछ पौधों का चयन करने के लिए भी जो है टेंडिंग ऑपरेशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज द लॉगिंग। लॉगिंग क्या होता है, तो लॉगिंग का बेसिकली अर्थ होता है कंप्राइजिंग द एस्टेब्लिशमेंट प्राइमरली एंगेज इन द परचेजिंग यानी खरीदना एंड फेलिंग स्टैंडिंग टिम्बर्स एंड सेलिंग इट एज अ रफ टिम्बर, खरीदना बेचना टिम्बर के बारे में, लकड़ी के बारे में, उसी को अपन कहते हैं लॉगिंग के नाम से जानते हैं, जो आपको बेसिकली यहाँ पे मालूम होना चाहिए। देन DBH काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि भाई DBH क्या होता है, तो DBH की जो फुल फॉर्म होती है वो आपके सामने है, डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, ब्रेस्ट हाइट पर डायमीटर कितना होगा उसी को DBH कहा गया है। ट्री ट्रंक आर मेजर्ड एट हाइट ऑफ एन अडल्ट ब्रेड्स पर ट्री की, पौधे की ऊंचाई का मापन किया जाता है। मोस्ट कंट्रीज, ज्यादातर देशों में DBH इज मेजर्ड एट 1.3 meter हाइट और यू कैन से 4.3 feet अबव ग्राउंड। जैसे कहने का अर्थ है ये आपका वृक्ष आपका यहाँ पे है, ये जैसे कोई ट्री है और ये उसकी सोइल सरफेस है, भूमि की सतह है। अब इस भूमि की सतह पर उस पौधे का डायमीटर मापने के लिए, व्यास मापने के लिए कितनी ऊंचाई से उसका मापन किया जाएगा, तो भूमि की सतह से आपका लगभग 1.3 meter हाइट, यानी कि यहां से जो है उसका अपन डायमीटर मापेंगे, 1.3 meter कहें या 4.3 feet कहें, यहां से इसके डायमीटर को मापा जाएगा कि भाई उसका डायमीटर उस पौधे का कितना है, उसी को अपन DBH कहते हैं। क्या कहते हैं? DBH कहते हैं। ज्यादातर देशों में यह जो है 1.3 meter या 4.3 feet से जो है इसका मापन किया जाता है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। देन यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो वहां पे जो DBH का जो क्राइटेरिया है वह है 1.37 मीटर या 4.5 फीट के ऊपर जो है भूमि की ऊपरी सतह से DBH का मापन USA के अंदर किया जाता है। अब इन केस ऑफ द ऑर्नामेंटल ट्री के केस में DBH का मापन 1.5 मीटर भूमि की ऊपरी सतह से किया जाता है। अब इसमें जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए ये वाला, जो ज्यादातर देशों में DBH का क्राइटेरिया लिया गया। अब ज्यादातर देश बोले तो आपको यहां पे पूछ ले कि भाई इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो है DBH का मापन पौधे की भूमि से कितनी ऊंचाई पर किया जाता है डायमीटर का मापन, तो 1.3 मीटर की ऊंचाई पर अर्थात 4.3 फीट की ऊंचाई पर किया जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। केवल USA के अंदर ही जो है 1.37 मीटर पर इसका मापन किया जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर द DBH को मापन के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं,
दैट इज द गर्थिंग और डायमीटर टेप। ये नॉर्मली जो आपका फीता होता है जिसे अपन फीता बोलते हैं वो इसमें काम में लेते हैं। मेजरिंग गर्थ और सर्कमफेरेंस ऑफ अ ट्री इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में पौधे को मापा जाता है उसके डायमीटर को। देन इन द कैलिपर्स, कैलिपर्स जो साइड में लगे होते हैं, जैसे आपका ये तना है और इस तने के जो अपन देखेंगे तो अपन कह रहे हैं कि ये भूमि की सतह हो गई और अपन पर्टिकुलर एक लेवल पे जाके यानी कि 1. जो आपका 35 या 37 जो फीट मीटर था वहाँ पे अपन इसको मापेंगे। तो यहाँ पे कुछ जो है इस प्रकार से नोच लगाई जाएगी और फिर उसको फीट मीटर के द्वारा मापेंगे। तो जो यहाँ पे अपन लगाएंगे और जिसको अपन बोलेंगे कैलिपर, जो उसको कवर करेगा इस प्रकार से, देट कंसिस्ट द टू पैरेलल आर्म्स, जिसमें दो पैरेलल आर्म्स होगी, वन ऑफ विच इज द फिक्स्ड, एक फिक्स रहेगी और अदर जो होगी एबल टू द साइड अलोंग अ स्केल, एक स्केल के साथ चलेगी और उसके द्वारा अपन जो है उस टेप के द्वारा उसका मापन कर लेते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज द यूजेस ऑफ द डीबीएच, डीबीएच का उपयोग कहाँ पे होता है, डायमीटर इज द ब्रेस्ट हाइट का उपयोग कहाँ होता है, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ द टिम्बर वॉल्यूम, यानी उसमें लकड़ी का जो वॉल्यूम है, मात्रा है वह कितनी है उसको देखने के लिए, इन अ सिंगल ट्री और अ स्टैंड ऑफ अ ट्री, यूटिलाइजिंग द कोरिलेशन बिटवीन द स्टेम डायमीटर, ट्री हाइट एंड द टिम्बर वॉल्यूम के बीच में कोरिलेशन को देखने के लिए भी इसका यूज होता है। एस्टिमेटिंग द एज ऑफ द ट्री, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पौधे की आयु को ज्ञात करने के लिए भी डीबीएच का उपयोग होता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन हार्डवुड, हार्डवुड किसे कहेंगे, कठोर लकड़ी, हार्डवुड किसे कहा गया, इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जो आपको ध्यान होना चाहिए, इसके एग्जाम्पल्स एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। कम्स फ्रॉम द एंजियोस्पर्म और फ्लोवरिंग प्लांट, फ्लोवरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म से प्राप्त जो पौधे होते हैं उनकी जो लकड़ी होती है, उनका जो वुड होता है वह हार्डवुड के नाम से जाना जाता है, जो वुडी इन नेचर का होता है, जो आपको पता होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से प्लांट है जो हार्डवुड के अंदर आते हैं और उसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका टिक का जो प्लांट है वह आपके हार्डवुड में आएगा, आपका ओक का प्लांट हार्डवुड के अंदर आएगा, वॉलनट सॉल का प्लांट हो गया, एल्डर का प्लांट हो गया, बालसा हो गया, बीच हो गया, हिकोरी हो गया, मैग्नुई हो गया, मैपल हो गया, तो इसमें से जो गोले बनाए हैं ये प्लांट तो आपको हार्डवुड में याद होने ही चाहिए, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो वुडी नेचर के होते हैं वो हार्डवुडी प्लांट कहलाते हैं, जो एंजियोस्पर्म या फ्लोरिंग प्लांट्स हैं। देन आता है आपका सॉफ्ट वुड, अर्थात कोमल लकड़ी वाले पौधे, कोमल लकड़ी वाले पौधे ऐसे कौन से हैं, तो ये पौधे जो है नॉर्मली जो है जिम्नोस्पर्म ट्रीज होते हैं उनको अपन सॉफ्ट वुड के नाम से जानते हैं और ये वुडी नेचर के नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल है आपका जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है सेडर या देवदर, जिसे अपन सेडरस डियोदेरा के नाम से जानते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, जो आपको पता होना चाहिए, ये सॉफ्ट वुड प्लांट है। इसके अलावा आपका पाइन का प्लांट, और पाइन जो दक्षिणी भारत के अंदर इसके फॉरेस्ट के अंदर काफी ज्यादा पाइन पाया जाता है, इसका पौधा भी जो है आपका सॉफ्ट वुड के अंदर आएगा। स्प्रूस का, यू का, रेडवुड का, जूनिपर का, डोगलस फियर का, ये सारे आपके सॉफ्ट वुड में आते हैं, लेकिन इसमें सेडर और पाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है सॉफ्ट वुड के अंदर आता है, जो आपसे पूछा जा सकता है। देन द नेक्स्ट वन इसमें बढ़ते हैं मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरियों की बात करें एग्रोफॉरेस्ट्री के अंदर, तो पहली आती है मोनोक्लाइमेक्स, मोनो मोनो का अर्थ होता है सिंगल, क्लाइमेक्स थ्योरी, तो ये जो प्रपोज की फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने प्रपोज की, ये थ्योरी फ्रेडरिक क्लीमेंट ने दी है 1916 के अंदर, ये थ्योरी दी गई है। डेवलप ओनली वन टाइप ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन अ क्लाइमेटिक रीजन अप जियोग्राफिकल एरिया, यानी किसी भी पर्टिकुलर स्थान पर जो है एक ही प्रकार की, यानी एक सिंगल जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी का निर्माण होता है, उसी को मोनो क्लाइमेक्स कहा गया है, यानी एक ही प्रकार की क्लाइमेक्स प्रजाति का बनना किसी जलवायुवीय कंडीशनों के अंदर जो है एक ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी का बनना ही मोनो क्लाइमेक्स थ्योरी बोला गया है। द अदर कम्युनिटीज एग्जिस्टिंग बिसाइड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन दैट एरिया आर कॉल्ड सब ऑर्डिनेट कम्युनिटी, यानी एक
जो कम्युनिटी है वह डोमिनेंट हो जाती है पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन में, इसलिए उसको मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी बोला है। और दूसरी जो कम्युनिटी है वह सबऑर्डिनेट रहती है, यानी उनकी संख्या बहुत कम होती है किसी क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर। टाइप ऑफ द सब कोऑर्डिनेट कम्युनिटी, सबऑर्डिनेट कम्युनिटी में प्रो क्लाइमेक्स, पोस्ट क्लाइमेक्स और प्री क्लाइमेक्स तीन भागों में इसको विभक्त किया गया है। तो आपको बेसिकली यहां पे ये ध्यान रखना है कि मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई है एक तो, और मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी का बेसिक अर्थ क्या है, जो आपको इस हेडिंग से निकल रहा है कि यहां पे एक प्रकार की क्लाइमेक्स कम्युनिटी का निर्माण होता है एक क्लाइमेटिक रीजन के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है पॉलीक्लाइमेक्स। पॉली यानी कि बहुत सारी जो कम्युनिटी है वो डेवलप होगी इसके अंदर, और पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी दी है ब्राउन, ब्लैंकेट और टेंसले ने इन 1935 के अंदर यह थ्योरी दी गई है। क्लाइमेक्स कम्युनिटीज आर कंट्रोल्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होती है बिसाइड द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ ज्योग्राफिकल एरिया। यानी कोई पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी है उसमें जलवायु के अलावा, क्लाइमेट के अलावा दूसरे कारक भी जो होते हैं उस कम्युनिटी को प्रभावित करते हैं, जबकि मोनोक्लाइमेट के अंदर आपका सिंगल कंपोनेंट है, आपका क्लाइमेट है जो उसको अफेक्ट कर रहा था। यहाँ पे बहुत सारे कारक यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे इसमें डिफरेंट फैक्टर्स है, जैसे टोपोग्राफिक क्लाइमेक्स यानी स्थलाकृति वहाँ की कैसी है वो उसको प्रभावित कर सकती है उस कम्युनिटी को, बायोटिक क्लाइमेक्स, जैविक कारक कौन कौन से, दैट इज द एंथ्रोपोजेनिक जो मानव द्वारा मनुष्य के द्वारा प्रभावित करने वाले कारक इसमें आते हैं, जूटिक क्लाइमेक्स यानी एनिमल्स के द्वारा, ग्रेजिंग क्लाइमेक्स यानी हर्बीवोरस के द्वारा, एडेफिक क्लाइमेक्स यानी सोइल के का द्वारा, या फायर क्लाइमेक्स दैट इज द फायर की वजह से। तो यानी मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी यानी जो किसी क्लाइमेक्स कम्युनिटी को केवल एक ही प्रकार का कारक उसको अफेक्ट करता हो, इट मींस क्लाइमेट, और दैट इज द पॉली क्लाइमेक्स यानी क्लाइमेट के अलावा एडेफिक फैक्टर हो गया, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर हो गया, बहुत सारे कारक जो है किसी क्लाइमेक्स कम्युनिटी को प्रभावित करते हैं इकोलॉजी के अंदर, तो उसको पॉली क्लाइमेक्स थ्योरी बोला गया है जो ब्लैंकेट और तांसले ने 1935 के अंदर दी है। देन द क्लाइमेक्स पैटर्न हाइपोथेसिस, क्लाइमेक्स पैटर्न हाइपोथेसिस इज गिवन बाय विटेकर इन 1953 के अंदर विटेकर ने जो है ये थ्योरी, ये हाइपोथेसिस दी थी। अ नंबर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी में डेवलप इन एरिया अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, पर्टिकुलर क्लाइमेटिक सेट के अंदर जो आवश्यक जो एक प्रकार का जो जलवायु है उसके अंदर जो विकसित होने वाली जो आपकी कम्युनिटी है वो एक पर्टिकुलर वातावरण के अंदर रहती है, उसी को जो है अपन क्लाइमेक्स पैटर्न हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। कम्युनिटीज चेंज देयर लिविंग पैटर्न रिलेटेड टू द डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ अ हैबिटेट बाय एडजेनिंग देमसेल्फ, यानी वातावरण के अनुसार वह अपने को ढाल लेती है, उसके अनुसार वह रहना सीख जाती है, उसे क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी कहते हैं। यानी क्लाइमेक्स यानी टेम्परेचर या क्लाइमेट के अनुसार वह चेंज हो जाती है और पर्टिकुलर इन्वायरमेंट उसको रिक्वायर्ड होता है, उसी को क्लाइमेक्स पैटर्न हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया अपना सारा कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कौन सी है जो एग्रोफॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। इसके साथ साथ अपन ने यहाँ पे देखा कि आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरियाज कौन सी है जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।